ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ऐसे छह काम जो सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति में हनुमान के रूप में अवतार किया था। हनुमान को भगवान शिव का श्रेष्ठ अवतार कहा जाता है। जब भी श्री राम लक्ष्मण पर कोई संकट आया, हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से दूर कर दिया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में स्वयं भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि से कहा है कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी द्वारा किए गए कुछ ऐसे काम जो किसी के करने के वश में था ही नहीं, जैसे संबंध को लागना। माता सीता को खोज करते समय जब हनुमान अंगद, जामवंत आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह खत्म हो गया या कम हो गया। तब अंगद ने उपस्थित वहां पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वो 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि वो 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। ऋक्षराज जामवंत ने कहा कि वे 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार तो कर लूंगा, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें संशय है। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। फिर सीता माता का खोज करना। समुद्र लांघने के बाद हनुमान जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर ही लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मां सीता के न मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके मन में पुनः उत्साह का संचार हुआ और वो लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता को खोज करने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वे अति प्रसन्न हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने कठिन काम भी बहुत ही सहजता से कर लिया। फिर अक्षय कुमार का वध व लंका दहन। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। उसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वे शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सके। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने आए तो उन्होंने उनका भी वध कर दिया। इस बात की जानकारी जब रावण को लगी तो उन्होंने सबसे पहले जम्बूमाली नामक राक्षस को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसका ही वध कर दिया। उसके बाद हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका नगरी में जाकर माता सीता को खोज करना व अनेक राक्षसों का वध करके लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी सहजता से कर दिया था। फिर उन्होंने विभीषण को अपने पक्ष में लिया। रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोज रहे थे तभी उन्होंने किसी के मुख से भगवान श्री राम का नाम सुना। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण के पास जाकर उनसे परिचय पूछा। अपना परिचय देने के बाद विभीषण ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने के बाद श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने सभी सेविकों से प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम के शरण में आए तो सुग्रीव, जामवंत आदि ने कहा कि रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
उस स्थिति में हनुमान जी ने विभीषण का समर्थन किया था। अंत में विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। फिर राम लक्ष्मण के लिए पहाड़ लेकर आना। वाल्मीकि रामायण में उसके अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर कई करोड़ वानरों का वध कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भगवान श्री राम और लक्ष्मण बेहोश हो गए थे। एक्चुअली लक्ष्मण जी को असर ज्यादा हुआ था। तब ऋषिराज जामन ने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां तुम्हें ऋषभ और कैलाश शिखर में दर्शन हुआ। एक्चुअली में हुआ ये था कि जो उनके जो वैद्य थे रावण के, उस वैद्य को इन्होंने उठा के लाया था। उस वैद्य ने एक्चुअली में कहा था कि हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां पे तुम्हें ऋषभ और कैलाश शिखर के दर्शन होंगे और वहां पे संजीवनी बूटी भी मिलेगी और तुमको लेकर आना है। इन दिनों के बीच में एक औषधि का पर्वत दिखाई देगा, उस वैद्य ने कहा, तुम उसे लेकर आओ। उन औषधियों की सुगंध से लक्ष्मण जी की जो मूर्छा है वो दूर हो जाएगी और अन्य सभी घायल वानर जो है स्वस्थ हो जाएंगे। तो हनुमान जी तुरंत उस पर्वत को लेने के लिए उड़ गए। रास्ते में कई तरह की मुसीबतें आई, लेकिन अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर हनुमान जी उस औषधि का वो पर्वत समय रहते उठाकर ले आए। उस पर्वत की औषधि के सुगंध से ही लक्ष्मण व करोड़ों घायल वानर पूरे स्वस्थ हो गए। फिर उन्होंने अनेकों राक्षसों का वध किया है। युद्ध में हनुमान जी ने अनेकों पराक्रमी राक्षसों का वध किया है। इनमें धूम्रराज, अकंपन, देवांतर, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप रहा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।